मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में स्वाइन फ्लू की रोकथाम और उपचार के संबंधों की समीक्षा। पीएचई मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने पिछले दिनों बालाघाट में 12 लाख की लागत से बनने वाले सीमेंट रोड का भूमि पूजन किया। और गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने नेहरू नगर में पंडित खुशीलाल आयुर्वेद अस्पताल के पास स्थित मैदान के दशहरा महोत्सव के लिए किया भूमि पूजन। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका सिंह। आइए देखते हैं हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वाइन फ्लू को रोकने की कारगर रणनीति बनाई जाए, रोग से निपटने की कोशिशों में कोई कमी नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने आज यहां एक बैठक में स्वाइन फ्लू की रोकथाम और उपचार संबंधी स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे उपायों और प्रबंधों की जानकारी ली। बैठक में मुख्य सचिव आर परशुराम भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक में कहा कि ग्राम स्तर तक लोगों को स्वाइन फ्लू से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करें, रोग के संबंध में शासकीय चिकित्सकों के साथ निजी चिकित्सकों को जागरूक करें, सभी अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता और उपचार की व्यवस्था की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि इस स्वाइन फ्लू के परीक्षण के लिए सैंपल के परिणाम समय सीमा में प्राप्त किए जाएं, यदि आवश्यकता हो तो परीक्षण के लिए और केंद्र बनाने की कार्रवाई करें। अभी ग्वालियर और जबलपुर में परीक्षण केंद्र है। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर को भी इस बारे में निर्देश दिए जाएं कि अपने अपने जिले में सजग रहकर समन्वय करें। इंदौर जिले की ग्राम पंचायत कराड़िया और जनपद पंचायत महू की ग्राम पंचायत काकरिया और रामपुरिया खुर्द के आम निर्वाचन 2012 के लिए मतदान 1 अक्टूबर 2012 को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक होगा। श्रम आयुक्त ने कामगारों को मतदान दिवस पर मतदान सुविधा देने के लिए परिपत्र जारी किए हैं। जारी परिपत्र में कहा गया है कि ग्राम पंचायत कराड़िया और जनपद पंचायत महू की ग्राम पंचायत कांकरिया और रामपुरिया खुर्द के आम निर्वाचन 2012 के क्षेत्रों में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने के लिए कारखाने निर्वाचन के दिन अपने कामगारों को साप्ताहिक अवकाश दें, जिससे कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक रूप से कर सकें। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जबलपुर क्षेत्र की 12 नल जल योजना को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के लिए 3,78,00,000 की राशि स्वीकृत की गई है। सतना और मंडला जिले में 2-2, बालाघाट में 5, सिवनी कटनी और छिंदवाड़ा में 1-1 नल जल योजना को मंजूरी दी गई है। पीएचई मंत्री ने निर्माण एजेंसी को इन योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किए जाने के लिए कहा है। बालाघाट जिले में पांजय चंदन नदी पर बनने वाले पेयजल योजना के लिए 29 लाख, मानेगांव के लिए 28 लाख, उमरवाड़ा और सर्रा के लिए 30-30 लाख और खाप के लिए 31 लाख की मंजूरी दी गई है। इन ग्रामीण नल जल योजनाओं में कुल लागत में सामान्य वर्ग के लिए 3% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1% राशि की जनभागीदारी भी निर्धारित की गई है। इन ग्रामीण नल जल योजना को के पूरा होने पर इनके संधारण का काम ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। खंडवा जिले के ग्राम हरसवाड़ा से वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर गई 61 वर्षीय श्रीमती मक्तीबाई ने बताया है कि पूरी यात्रा में कोई तकलीफ नहीं हुई, समय समय पर चाय नाश्ता और खाना मिला। उन्होंने कहा कि हमारी तो इच्छा यही है कि शिवराज सिंह चौहान फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हम सबको चारों धाम की यात्रा करवाएं। कुछ इसी तरह से विचार पोस्टमैन कॉलोनी खंडवा की श्रीमती राधाबाई ग्राम भोजाखेड़ा के रघुलाल पटेल ने भी व्यक्त किए। सुरगांव बजारी के बाबू सिंह ने भी यही कहा कि मुख्यमंत्री चौहान की सर्वजन हिताय सोच के कारण ही हम जीवन के अंतिम पड़ाव में मां के दर्शन कर पाए। राज्य शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार खेल और युवा कल्याण विभाग में कार्यरत राज्य स्तरीय खेल संघ के मान्यता संबंधी नियम जारी कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य राज्य स्तरीय खेल संघों का सुदृढ़ीकरण और उन्हें मान्यता प्रदान कर प्रशासनिक और कार्यालयीन कार्यों के लिए आर्थिक सहयोग देना है। ये नियम खेल संघों के मान्यता नियम 2012 कहलाएंगे। राज्य शासन द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा के गुणवत्ता स्तर की अभिव्यक्ति, अध्ययन अध्यापन में सुधार और शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन समन्वय समिति का गठन हुआ।
समिति के उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और समिति के सचिव आयुक्त उच्च शिक्षा है। और ये थी एमपीलाई में कुछ खास खबरें। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ।